हेलो दोस्तों, वेलकम टू फराजेनमेंट और मैं हूं फराज, आपका होस्ट एंड दोस्त। बहुत अच्छी आप रिस्पांस देते हो हम लोगों को, बहुत अच्छी वीडियोस पे कमेंट, लाइक्स एंड व्यूज आ रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए आपका सबसे पहले। और आज हमारी वीडियो कुछ अलग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वॉशिंग मशीन जो आपके घरों में होती है, सेमी ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, उसमें जनरली प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज्यादा हिलती हैं, बहुत ज्यादा जो वाइब्रेशन की दिक्कत आती है, कई बार कपड़े नहीं सही से साफ हो पाते हैं, धुल पाते हैं, सूख पाते हैं। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जनरली जो लोग यूज करते हैं वो जानते होंगे कि कितना ज्यादा वाइब्रेशन होता है स्पिन के टाइम पे, तो उन सब दिक्कतों को दूर कैसे करें। और वॉशिंग मशीन जब रखी होती है तो जब काम करने वाली आती है या घरों में झाड़ू होती है तो झाड़ू में बहुत प्रॉब्लम होती है नीचे की गंदगी निकालने में, क्योंकि वॉशिंग मशीन का पानी जब भी निकलता है तो आपको कहीं ना कहीं गंदगी थोड़ी बहुत जरूर निकलती है। तो इन सब सॉल्यूशंस आज हम आपको बताएंगे इन सब का क्या सॉल्यूशन है और क्या एक वॉशिंग मशीन पे स्टैंड लगाना सही होगा। तो आज हमारे साथ आप देख सकते हैं बहुत सारी वॉशिंग मशीन है, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, और आज इसी के बारे में हम बताने वाले। तो गाइस आइए देर ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरली जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स होती हैं वो हमारे आपके घरों में आज नीड हो गई हैं और हम एक अच्छी सी फुली ऑटोमेटिक मशीन जरूर लाते हैं, चाहे वो फ्रंट लोड हो चाहे वो टॉप लोड हो। तो जब भी हम यूज करते हैं वॉशिंग मशीन लगाते हैं, यूज करते हैं, उसके कई दिन बाद देखते हैं कि उसके पास आसपास पानी जम रहा है, गंदगी साफ नहीं हो पा रही है और कई बार वाइब्रेशन की भी दिक्कत आती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है वॉशिंग मशीन स्टैंड। अब वॉशिंग मशीन स्टैंड बहुत तरह के आते हैं, लेकिन कौन से अच्छे होते हैं कौन से खराब होता है, आज एक स्टैंड हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस पर रख के आपको दिखाएंगे वॉशिंग मशीन को कि किस तरह से वॉशिंग मशीन अपनी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को स्टैंड पे आप रख सकते हो और उससे क्या फायदा होने वाला है। तो आइए गाइस देर नहीं करते हैं, आपको दिखा देते हैं कि स्टैंड हमारे पास है। सबसे पहले ये स्टैंड है, आप देख सकते हो यहाँ पे रखा हुआ है, फ्रंट में आपको दिखा रहे हैं ये वॉशिंग मशीन स्टैंड जो हमारे पास रखा हुआ है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत होती है ये एडजस्टेबल होता है, इसको आराम से आप खोल सकते हैं। हमारे स्टैंड की पूरी प्रॉपर वीडियो भी पड़ी हुई है, वो आप आई बटन में देख सकते हैं इस स्टैंड के बारे में कि ये स्टैंड होता क्या चीज है और कैसे वर्क करता है। अभी इसको आइए आपको वॉशिंग मशीन दिखा दें इसके ऊपर रख के। सो गाइस हमने आपको अब ये दिखाया कि स्टैंड के ऊपर हमने वॉशिंग मशीन रख दी है और आप देख सकते हो, एक बार हम दिखाना चाहेंगे आपको कि स्टैंड के ऊपर इस टाइम ये वॉशिंग मशीन रखी हुई है। ये होता है इसका स्टैंड प्रॉपर, ये इसमें चार पायर लगे होते हैं और इसमें जो है व्हील्स भी लगे होते हैं आपको इजी इधर उधर कैरी करने के लिए। देखिए हिला के भी हम आपको दिखा रहे हैं, इधर उधर करके ये पूरी मशीन देखिए अब आसानी से आपकी एडजस्ट हो जाती है, इधर उधर घूम जाती है, कहीं भी जा सकती है, उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है ऑपरेशन आपका। कई बार ऐसा होता है गंदगी जम जाती है यहाँ पे नीचे साइड पे, झाड़ू हम लोग मारते हैं तो वहाँ पे झाड़ू नहीं लग पाती। अभी इसकी हाइट और भी आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ये पूरी प्रॉपर इसका स्टैंड के बारे में इंस्टॉलेशन हमारे आई बटन में आपको मिल जाएगा, जो हमने प्रॉपर एक अलग वीडियो स्टैंड के बारे में, स्टैंड ऑपरेटिंग के बारे में बता दिया है, तो वो भी आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन स्टैंड के ऊपर रखने के फायदे बता रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो आपको, जैसे वॉशिंग मशीन आपने जनरली जो घर में रखी हुई है, नॉर्मल वॉशिंग मशीन के अंदर भी पाए होते हैं वो आपने रखी हुई है, तो वहां पे भी आपको वाइब्रेशन बहुत कम नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपका काम कर जाता है। लेकिन अगर आप स्टैंड के ऊपर वॉशिंग मशीन को रखे हुए तो स्टैंड के ऊपर वॉशिंग मशीन रखने से सबसे बड़ा फायदा होता है जर्किंग वाइब्रेशन और बहुत कम होता था, क्योंकि इसके अंदर एक रबड़ के पूरे पार्ट चारों तरफ पाए लगे होते हैं रबड़ से, तो उसका वाइब्रेशन बहुत कम हो जाता है। वो अपनी वीडियो में हमने स्टैंड की दिखा रखा है। और साथ में जो इसके अंदर व्हील्स लगे होते हैं, व्हील्स को आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, साइज इधर उधर कर सकते हो, व्हील्स भी आगे पीछे हो जाते हैं तो वॉशिंग मशीन की सफाई है, गंदगी है या कोई ऐसा केमिकल वगैरह कई बार गिर जाता है, कई बार डस्ट गिर जाती है, तो वहां पे आप आसानी से इसको इधर उधर कर सकते हो। आप देख सकते हो कितनी आसानी से ये मशीन पूरी घूम रही है, जबकि पहले ये मशीन ऐसे नहीं घूम रही थी, तो इसको आराम से आप कहीं भी ले जा सकते हो स्टैंड पे रख के। ये स्टैंड आप देख रहे हो, तो ये एक सबसे बड़ा फायदा होता है, आप मूव कर सकते हो अपनी वॉशिंग मशीन को। छोटे घर होते हैं आजकल, बाथरूम छोटे होते हैं तो वहां पे रखिए तो आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि जो पानी का कनेक्शन होता है वो हमारा दूर होता है और वॉशिंग मशीन रखने की घर में जगह कहीं अलग होती है, जब हमें कपड़े धोना है तो हम उसको वहां पे ले जाना चाहते हैं और जब कपड़े नहीं धोना है तो इसको अलग कहीं रखना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। स्टैंड लगे होते हैं, इसके अंदर पाए लगे होते हैं, आप इसको इजिली मूव करके, और इससे वॉशिंग मशीन की आपकी लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये पानी से और जमीन से टच इसका ऊपर हो जाता है,
तो यहाँ पे आपका पानी में इसका भीगना कम हो जाता है, जहां पे आपकी लाइफ वॉशिंग मशीन की बढ़ जाती है। तो हम रिकमेंड करेंगे आपको कि एक वॉशिंग मशीन अगर आप लीजिए तो अपने वॉशिंग मशीन के अंदर फुली ऑटोमेटिक का स्टैंड जरूर लगा लीजिए, और साथ में बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं करता ये, 1000 रुपीज से लेके 2000 के अंडर ये वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक का स्टैंड आ जाता है। उसके बारे में भी हम डिटेल्ड वीडियो बताएंगे, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। तो उसके बारे में भी टॉप स्टैंड्स और उसके लिंक्स हम बता देंगे। फिलहाल जो हमने आपको बताया कि वॉशिंग मशीन के अंदर स्टैंड रखने का क्या फायदा होता है, आशा करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा आपको, बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।